स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे स्किन इफेक्ट क्या होता है और स्किन इफेक्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि यह सिर्फ एसी में होता है या सिर्फ डीसी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि कंडक्टर में स्किन इफेक्ट किसे कहते हैं। तो किसी कंडक्टर के बाहरी सरफेस पर जब ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करता है उसे हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त, ये जो कंडक्टर हो गया और इस कंडक्टर के बाहर सरफेस पे जब ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो उसे हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, ये कंडक्टर हो गया और ये ग्रीन कलर का जो भी आपको डॉट दिखाई दे रहा है सब यानी करंट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्त, ये जो कंडक्टर है और कंडक्टर का बाहर वाला सरफेस हो गया और यहाँ पे जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, यानी जो कंडक्टर होता है दोस्त उसके बाहर वाले सरफेस पे ज़्यादा करंट फ्लो करता है। तो दोस्त इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो हम ट्रांसमिशन लाइन में केबल इस्तेमाल करते हैं उस केबल में जो इलेक्ट्रॉन यानी जो करंट होता है वह उस कंडक्टर के बाहर वाले सरफेस पे ज़्यादा फ्लो करता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्त, ये कंडक्टर हो गया और इस कंडक्टर के बाहर वाला जो सरफेस है यहाँ पे आपको वाइट डॉट दिखाई दे रहा है दोस्त। ज़्यादा से ज़्यादा डॉट है दोस्त वह इस कंडक्टर के बाहर वाले सरफेस पे है। तो इसे हमें क्लियर ये दोस्त हो जाता है कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की जो नेचर होता है वह उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे होता है। इससे जो है बचने के लिए इसलिए हम सॉलिड कंडक्टर का इस्तेमाल ना करके हम इस तरह का कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं जो पतली पतली वायरों से मिलके बना होता है। जो हम पतली वायर यूज करते हैं दोस्त, इसके आउटर सरफेस से करंट फ्लो करता है, फिर दूसरा जो पतली वायर है इसके आउटर सरफेस से करंट जो है फ्लो करता है। तो इस तरह से दोस्त जो लॉस है वह कम होता है। अगर हम सॉलिड कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं इस तरह से तो करंट की जो मात्रा है दोस्त इस कंडक्टर से ज़्यादा इसके आउटर सरफेस से जाएगा और इससे हमारा दोस्त क्या होगा कि लॉस ज़्यादा होगा और कंडक्टर भी इस्तेमाल होगा जिसके कारण से हमारा कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए दोस्त इससे बचने के लिए हम CSR कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं जो पतली पतली वायर से मिल के बना होता है और इसलिए दोस्त जो है करंट इसके इन पतली पतली वायर के आउटर सरफेस से फ्लो करता है। तो इसलिए दोस्त जो है CSR कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है इस CSR कंडक्टर के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। अब हम समझ लेते हैं दोस्त कि इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, पहला फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके और दूसरा जो कंडक्टर हम इस्तेमाल करते हैं उसका डायमीटर को रिड्यूस करके। फ्रीक्वेंसी होता है दोस्तों वो इंडिया का 50 हर्ज होता है और जो बल्ब वगैरह फैन हमारा चलता है वो 50 हर्ज पे ही चलता है। तो इसलिए दोस्त हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्त जो हम कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं उसका डायमीटर हम रिड्यूस करके स्किन इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम मोटा कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे दोस्त इसके आउटर सरफेस पे करंट जाएगा और इनर सरफेस पे करंट नहीं फ्लो करेगा। तो इससे दोस्त क्या होगा कि हमारी लॉसेस ज़्यादा होगा और जितनी मात्रा में करंट जो है फ्लो करना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे वह नहीं होगा। और उसके जगह पे दोस्त अगर हम इस तरह का कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं तो इसके आउटर सरफेस पे करंट फ्लो करेगा जिसके कारण से इसका जो डायमीटर है वह रिड्यूस हो जा रहा है। इसलिए दोस्त जो है करंट जो है जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। यह एक प्रकार का लॉस ही है दोस्त, और ये जो लॉस है दोस्त यह एसी में होता है यानी जिसमें फ्रीक्वेंसी होता है उसी में होता है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। इसलिए दोस्त ये जो लॉस है वह डीसी में नहीं होता है। एसी में अल्टरनेटिंग नेचर होता है यानी प्लस माइनस होते रहता है। इस कारण से एसी में स्किन इफेक्ट होता है लेकिन डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि डीसी जो करंट होता है दोस्त वह कंडक्टर के इनर सरफेस से ज़्यादा फ्लो करता है। लेकिन दोस्त एसी में जो कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो करंट होता है दोस्त वह आउटर सरफेस में ज़्यादा फ्लो करता है। तो इसलिए दोस्त जो है स्किन इफेक्ट एसी में होता है लेकिन डीसी में इस्तेमाल नहीं होता है। और एसी में जो कंडक्टर हम इस्तेमाल करते हैं दोस्त वह इस तरह का कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें पतली पतली वायरों को कंबाइन करके बनाया जाता है जिससे जो है हमारा लॉस और कंडक्टर का कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जो डीसी होता है दोस्त, डीसी में करंट जो है
इनर सरफेस से ज़्यादा फ्लो करता है, इसलिए हम यहाँ पर सॉलिड कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। और एसी जो होता है उसमें हम इस तरह का कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।